बड़ी खबर आ रही है सोना से, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोना से, हत्या, लूट और डकैती जैसे करीब 3 दर्जन मामलों में शामिल बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी बदमाश सोनीपत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां सोहना से एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या, लूट और डकैती जैसे करीब 3 दर्जन मामलों में शामिल था यह बदमाश और उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बदमाश सोनीपत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोना से, 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। हत्या, लूट और डकैती जैसे करीब 3 दर्जन मामलों में ये आरोपी है और इसको पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि सोनीपत का रहने वाला है ये बदमाश। सतीश राघव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, कैसे पकड़ा गया ये और कौन है ये बदमाश? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बदमाश ये है, जो एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार रोहतक सांपला से गिरफ्तार किया गया है और जो बदमाश है इसके ऊपर करीब 32 मुकदमे हत्या, लूट और डकैती के हैं। 7 शूटर ये रहा है और लॉरेंस गैंग का ये 7 शूटर रहा है। इसको इसी रात करीब 9 बजे एसटीएफ की टीम ने सांपला से गिरफ्तार किया है और फिलहाल इसके ऊपर पुलिस जो है अभी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी कि बाकी और कौन कौन से मामलों में शामिल रहा है और किस तरीके के मामले इसके और है। और हरियाणा पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 लाख का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने धर दबोचा है 2 लाख के इस इनामी बदमाश को और कई मामलों में यह वांछित रहा है यह बदमाश।